अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, एक संकेत तो ऐसा है जो सबको पता है, बस आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि कई लोग हैं, हो सकता है उसमें आप भी हो, हम भी हो, बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भोग प्रसाद बांटते हैं, भंडारा करते हैं, मतलब जो भी हम कर सकते हैं हम सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे सब काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन में कुछ हो नहीं पाता है, जीवन में सफलताएं मिलना बंद हो जाती हैं, कुछ ऐसा होने लगता है कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो बिगड़ता ही चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से आपके कार्य बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जिस कार्य को करने के लिए लोग थोड़े से प्रयास में अपने कार्य में सफलता पा लेते हैं, उसी कार्य को करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कुछ ऐसा तो होगा ज़रूर कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, आखिर सारा बैड लग आपके साथ में ही क्यों है ना? ऐसे सवाल आते हैं मन में। तो पहला संकेत यही होता है कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा संकेत ये होता है कि आप जितने बार भी प्रयास करेंगे घर में तुलसी का पौधा लगाने का, जितने बार भी, कुछ दिन चलेगा फिर उसके बाद सूख जाएगा, फिर दोबारा से आप प्रयास करके पौधा लगाएंगे, फिर वो कुछ दिन चलेगा उसके बाद फिर सूख जाएगा। काफ़ी प्रयासों के बावजूद आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लग पाएगा, ये दूसरा संकेत है तुलसी के पौधे का ना लगना। तीसरा संकेत क्या होता है कि आपके घर में अशुद्धि फैली रहेगी। अशुद्धि फैलने का अर्थ है कि आपके घर में कुछ ना कुछ इस तरह से कार्य होते रहेंगे कि घर में अशुद्धि फैली रहेगी। हो सकता है कोई बाहर से कुत्ता आके आपके घर में लैट्रिन कर गया, या बिल्ली ऊपर लैट्रिन कर गई, या कुछ ऐसा हो गया, मतलब आपके घर में कुछ ना कुछ कारणवश अशुद्धि फैलती ही रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जिससे अशुद्धि फैल जाएगी। अब जैसे महिलाएँ ही हैं, महिलाओं का पीरियड एक समय होता है, नियत समय होता है कि हाँ इतने समय बाद आएगा। अब कुछ लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि जब भी नवरात्रे आने वाले होंगे और पाँच दस दिन पहले ही उनका पीरियड हुआ होगा, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे फिर से हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब आपके घर में कुछ इस प्रकार से अशुद्धि फैल जाए कि आपकी पूजा लग ना पाए, आपकी पूजा भगवान स्वीकार ही ना कर पाए। भाई अशुद्धि फैल जाएगी, आप व्रत आपके सक्षम नहीं हो पाएंगे, आप जप नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, भोग प्रसाद नहीं अर्पित कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अशुद्धि फैल गई ना आपके, आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की। अब भले कितना ही कह लें कि हाँ मानसिक जप किया हमने, मानसिक पूजा की, लेकिन एक अशुद्धि तो फैल ही गई। तो एक ये कारण हो जाता है कि घर में किसी ना किसी कारण बस से अशुद्धि फैल जाती है, तो हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। चौथा कारण क्या होता है? चौथा कारण ये होता है कि हमें देव दोष लगा होता है। देव दोष कैसे लग जाएगा, इससे हम कैसे समझें, तो इसके लिए हमने दो वीडियो बनाए थे इससे पहले, आप देखेंगे तो दो वीडियो हैं देव दोष के ऊपर। तो देव दोष लगने के कारण भी आपके साथ में इस प्रकार की घटना हो सकती है कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार ना करें। देव दोष में छोटा सा विवरण आपको दे देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, आपको पता चले ना चले, कभी कभी हमें हमारे सामने साधु संत महात्मा आ जाते हैं या कोई भी आ जाते हैं, तो अगर आपने अज्ञानतावश या गलतीवश उनका अपमान कर दिया तो आपको देव दोष लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि देखिए, सभी ढोंगी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ढोंगी हैं, एक तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता है,
एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है कि आप देख पाएं, समझ पाएं कि हाँ कौन सच्चा है, कौन आदमी सच्चा नहीं है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तब आपके अंदर ये क्षमता डेवलप होना शुरू होती है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति तपस्वी है या ये व्यक्ति भगवान का भक्त है, इसके ऊपर दैवी कृपा है। अब पता लगा उसके ऊपर दैवी कृपा है, आपने उसका अपमान कर दिया, तो जो देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। और सभी देवता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर वो रुष्ट हो गए उनके देवता, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ में गलत होना शुरू हो जाएगा और आपके देवता कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था ना, जब हनुमान जी लंका में थे तो मेघनाथ ने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। हनुमान जी के पास में तो ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि उनके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने पर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और अपने आप को ब्रह्मास्त्र के साथ में बंधने दिया। तो देवता भी ऐसे ही होते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं एक दूसरे की बात के लिए। आप देखिए जैसे माँ काली होती हैं या माता का जो रूप होता है, उनके साथ देवगण भी होते हैं, राक्षसगण भी होते हैं। जब उन्हें दुष्टों का संहार करना होता है तो राक्षसगण जाते हैं, जब उनको किसी भक्त का उद्धार करना होता है तो देवगण जाते हैं। वही माँ काली भी हैं, शमशान काली भी हैं, दक्षिण काली भी हैं, महाकाली भी हैं, 10 महाविद्याएं भी हैं। तो उनके पास में सर हर तरह के गण होते हैं। अब जिस प्रकार की आपकी भावना होगी, जिस प्रकार के आपको फल मिलने वाले होंगे, वैसे ही गण आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो देव दोष लगने के कारण भी आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। पांचवा कारण होता है कि आपके घर के देवताओं का बंधन कर दिया गया हो। आपके घर में कोई शक्ति या चौकी चला के इस प्रकार की शक्ति भेज दी गई हो, या मशान की शक्ति भेज दी गई हो, मशानी शक्ति भेज दी गई हो, जिसके कारण से आपके घर में अशुद्धि फैल जाती है, आपके देवताओं का बंधन हो जाता है और आपके मंदिर या पूजा स्थल में कुछ ऐसे शक्तियाँ आके बैठ जाती हैं जो आपकी पूजा स्वीकार करने लगती हैं। भगवान फिर पूजा आपकी स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये ऐसे 5 संकेत थे जो ये बताते हैं कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और बहुत थोड़ा सा फर्क होता है इन सब बातों को समझने का। थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो आपको अंधविश्वास लगने लगेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेंगे तो आपको इस प्रकार से लगने लगेगा कि नहीं, आपके साथ में ऐसा हो रहा है। तो समझने की बात है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा वीडियो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा, लेकिन गलत बात मत समझिएगा। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि आपके घर में इस तरह से हो गया है या आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, आपके काम नहीं बन रहे तो पूजा स्वीकार नहीं हो। कभी कभी कर्म भी हमारे निर्भर करते हैं हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए। अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में होंगी ही नहीं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में अगर आप अच्छे भी हैं तो हो सकता है आपके साथ में ये सब चीज़ें हों, लेकिन अगर आप जप तप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी ये सब चीज़ें आपके साथ में होना शुरू होती हैं तो एक चीज़ देखी जाती है कि आपका जप कितना है, आपका तपोबल कितना है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी है। इन सब चीज़ों को अभी मापदंड होता है, उसके बाद ही कोई शक्ति आपके घर में कुछ बुरा करती है आपके, या कुछ आपके साथ में अच्छा होना शुरू होता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।